कमोडिटी मार्केट से जुड़ी हर खबर सिर्फ न्यूज मार्केट्स 24 पर, खबर काम की। नमस्कार दोस्तों, न्यूज मार्केट 24 चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। रोजाना की तरीके लोहे बाजार की जानकारी के साथ मैं अजय सिंह आप सब लोगों के साथ उपस्थित हूँ। मार्केट के ट्रेंड की जानकारी, मंडी गोविंदगढ़ एमएस सिंगट एशिया की लार्जेस्ट मंडी उसका जानकारी, और साथ ही साथ पुराने लोहे में किस तरीके से कामकाज हो रहा है, कास्ट आयरन के भाव की जानकारी, एचआरसी सीआरसी कॉइल में क्या स्थिति है, और साथ ही साथ आपको बताएंगे मार्केट के मोस्ट इंपोर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल के साथ साथ सरिये बाजार में आप कहां खरीदारी करके चल सकते हैं, टीएमटी में आप कहां खरीदारी करें, सारी जानकारी विस्तार से देंगे। तो जो लोग भी पहली बार हमारे साथ चैनल पर जुड़ रहे हैं, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलें। और आपको बता देते हैं बाजार खुलने से पहले मार्केट का ट्रेंड, मार्केट का एनालिसिस आप अगर जानना चाहते हैं 9:30 का शो मिस मत करिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए बात करते हैं किस तरीके से बाजारों में कामकाज हो रहा है। लोहे बाजार में जैसे कि लगातार कई दिनों की गिरावट लगातार आ रही थी, और कल भी बाजारों में आपने देखा एक बार बाजार 48,700 रुपए से 600 रुपए तक बाजार नीचे में गया, और फिर उसके बाद बाजार बंद होते होते बाजारों ने अपनी जो गिरावट थी उसको कवर करते हुए रिकवरी करते हुए बाजार 49,000 रुपए के आसपास बंद हुआ। निचले स्तर से बाजारों में रिकवरी देखी गई, बाजारों में जो गिरावट आई है उसका मुख्य कारण विदेशी बाजारों में जो आपने देखा था ग्लोबल अस्थिरता थी उसका इंपैक्ट बाजारों में घरेलू बाजारों में देखने के लिए मिला, इसलिए बाजारों में गिरावट देखी गई। इसी तरीके पुराने लोहे का भाव 38,000 रुपए हो गया। एमएस सिंगर टोल्ड स्कैप का कन्वर्जन रेट 11,000 रुपए रहा। कास्ट आयरन की अगर बात कर लेते हैं तो मंडी गोविंद का टोका का भाव 41,200 रुपए बाजारों में कामकाज हुआ, इंपोर्टेड का भाव 42,200 रुपए रहा। यह अभी जो कास्ट आयरन के भाव बेसिक रेट है इसमें 300 रुपए प्रति टन की ऊपरी स्तर से अगर देखेंगे तो बाजारों में गिरावट दर्ज करी गई है। चलिए जान लेते हैं एचआरसी सीआरसी कॉइल का भाव क्या रहा। लुधियाना एचआरसी कॉइल का भाव 59,800 रुपए, सीआरसी कॉइल का भाव 65,500 रुपए, गाजियाबाद एचआरसी कॉइल का भाव 60,000 रुपए, सीआरसी कॉइल का भाव 68,000 रुपए रहा। इसी तरीके कोलकाता एचआरसी सीट का भाव 59,100 रुपए, सीआरसी सीट का भाव 63,100 रुपए रहा। आप जीपी सीट और एचआरसी सीट में भी आप यहां पर अच्छे लेवल है, यहां पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं। चलिए जानेंगे रायपुर एचबी वायर की क्या स्थिति है। रायपुर एचबी वायर का भाव 53,000 रुपए रहा, जीआई वायर का भाव 57,600 रुपए, एमएस पाइप की अगर बात कर लेते हैं तो गोविंदगढ़ पाइप का भाव 52,600 रुपए, रायपुर पाइप का भाव 52,800 रुपए, बाजारों में एक अच्छे स्तर है, बाजारों में आप यहां पर खरीदारी करके चले, आने वाले हफ्ते में बाजारों में एक अच्छी बाजारों में आपको रिकवरी दिखाई देकर चल सकती है। चलिए जानेंगे मंडी गोविंदगढ़ में टीएमटी की क्या स्थिति है। मंडी गोविंदगढ़ टीएमटी का भाव 53,800 रुपए रहा, दुर्गापुर का भाव 50,700 रुपए, इंदौर 54,700 रुपए पे कामकाज रहा, रायपुर का भाव 50,000 रुपए, जयपुर का भाव 53,100 रुपए, मुजफ्फरनगर का भाव 51,900 रुपए, भावनगर का भाव 56,000 रुपए, गाजियाबाद का भाव 53,300 रुपए, जलना टीएमटी का भाव 55,300 रुपए, पटना का भाव टीएमटी का 52,100 रुपए रहा। यह भी सारे बेसिक रेट है, सभी टीएमटी के भाव में ऊपरी स्तर से आप नरमी देख रहे हैं, बाजारों में 300-400 रुपए प्रति टन की गिरावट देखी जा रही है, लेकिन बाजारों में एक अच्छा मौका है, गिरावट पे आप खरीदारी करके चल सकते हैं। चलिए जानेंगे मंडी गोविंदगढ़ में आज के सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल क्या है। मंडी गोविंदगढ़ में आज का सपोर्ट का लेवल 48,500 रुपए का, रेजिस्टेंस का लेवल 49,600 रुपए का, यह कल वाला ही स्तर है। इसी तरीके पुराने लोहे का सपोर्ट का लेवल 37,500 रुपए, रेजिस्टेंस का लेवल 38,600 रुपए का बाजारों में देखा जा रहा है। और आपको बता देते हैं आप लोगों को अगर किसी भी प्रकार की रेट्स की जानकारी, लोहे के रेट्स की जानकारी जाननी है तो एबी लाइव का ऐप एंड्रॉइड आईफोन दोनों पर अवेलेबल है, उसको जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं, पेड सर्विस है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए बात करेंगे किस तरीके से पुराने लोहे नए लोहे में बाजारों में मार्केट का ट्रेंड को देखते हुए बाजारों में आप गिरावट पे खरीदारी करिए। आगे आने वाले समय में आपको एक बाजारों में एक अच्छी रिकवरी, बाजारों में आपको एक बाउंस बैक आता हुआ नजर आएगा, तो बाजारों में लेवल अच्छे हैं, मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है, तो बाजारों में आप गिरावट पे आप खरीदारी करके चल सकते हैं। इसी के तहत एंगल पाइप गार्टर चैनल के बाजारों में भी आपको एक अच्छी खरीदारी बाजारों में आती हुई नजर आएगी। अगर खबर में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आप लोगों से एक नई खबर के साथ, तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज मार्केट 24।